हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे बायोलॉजी से, है ना, ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्लैंड्स में देखो थाइमस है ना, इससे पहले मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके देख लेना। इन सब का फंक्शन बता रखा हूँ, इसका भी फंक्शन बता रखा हूँ। इसमें बात करेंगे थाइमस। थाइमस देखो अपने चेस्ट में मौजूद होता है, यहाँ पे है ना, इसका जो पोजिशन होता है थाइमस का, वो चेस्ट पे कैविटी के पास रहता है। उसका काम क्या होता है वो देखो, WBC तैयार करना। WBC, अब आपको पता है WBC इज ऑल्सो नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का जो सैनिक होता है ना वो WBC होता है, और ब्लड का कंपोनेंट है। मतलब ब्लड के अंदर जो तीन चीजें होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उनमें से WBC को तैयार करता है किसी पार्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए। वो कौन करता है? थाइमस करता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बोन मैरो के पास जो WBC ये ब्लड तैयार होता है, वो उसको स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट करना, ये थाइमस का काम होता है, और उसको प्रॉपर जगह पे भेजना ताकि हम बीमार नहीं पड़े, वो होता है WBC का काम, समझ गए। उसके बाद आता है एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल मतलब अपने पेट के जो पार्ट में होता है, उसमें दो चीजें होते हैं, दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपको पता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर का मतलब पत्तों के जैसा होता है, और उसका काम क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करना। पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? आपको डाइजेशन से रिलेटेड क्लास में भी आपको बताया था कि जो हमारा खाना पचता है उसमें इसका पेनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ हम समझेंगे कि इसके अंदर जो होता है इंसुलिन सेक्रेट करता है। पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन सेक्रेट करता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जो अपना शुगर है उसमें उसको कंट्रोल करना इंसुलिन का काम करता है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, सेक्रेट होना इंसुलिन पेनक्रियाज से कम हो जाता है, जिसके कारण उसके बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसी का बोलते हैं चीनी, बोलते हैं चीनी रोग, या फिर डायबिटीज बोलते हैं। तो उसको अलग से सुई लेना पड़ता है, अलग से बार समय पर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ताकि क्या हो, उसके ब्लड के अंदर जो शुगर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। फिर आता है एड्रिनल। एड्रिनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एड्रिनल जो होता है इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ये वर्ड जो है आप बहुत अच्छे समझिए, फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो। मतलब एड्रिनल, जैसे मान लो आपने कुछ डेंजर सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो एड्रिनल क्या करता है? उस टाइम हमें बचाता, सेव करता है। जैसे मान लो कि आप अपने कोई ग्राउंड में खेल रहे हो और एकाएक आपके सामने कोई सांप आ गया, तो आप भाग रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा, अपना बॉडी का देखते हो कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? अगर बढ़ेगा नहीं तो उसको एनर्जी को पूरा नहीं कर पाएगा, बॉडी को नहीं मिल पाएगा, तो फिर क्या हो सकता है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में वो मर भी सकता है। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए एड्रिनल जो होता है अपने किडनी पे प्रेजेंट रहता है। किडनी के ऊपर वाले पार्ट में क्या रहता है? एड्रिनल रहता है, जिसका काम क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने बॉडी को तैयार करना। अगर ये तैयार नहीं होता, जैसे बोलते हैं देखो तो कई बार क्या होता है, अपना हाथ इस तरीके वाइब्रेट करने लगता है, या फिर कुछ हम बोलने जाते हैं पोडियम पे या फिर स्टेज पे, उस टाइम भी क्या होता है कि अपना बॉडी सही से वर्क नहीं करता, नर्वस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो एक सिचुएशन है जिसको बॉडी कंट्रोल नहीं करता है, तो एड्रिनल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन पूरा नहीं होता। ब्रेन उसको बोलता है, एड्रिनल को बताता है कि अब देखो इमरजेंसी सिचुएशन है, संभालो, लेकिन वो करता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये बात तो हो गया, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन बॉडी का ऐसा ही फंक्शन होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन को तैयार करना, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बॉडी को तैयार करना, मेंटेन करना, उसे लड़ना, उस नहीं तो क्या करना, फाइट करिए नहीं तो भाग जाइए, दो ही चीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रिनल, ठीक है। फिर आता है जेनिटल एरिया के अंदर जो मेल और फीमेल का अलग अलग होता है ग्लैंड्स, वो होता है। देखो मेल के अंदर टेस्टीज होता है, पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, ये बायो का पार्ट में है और एक्सप्लेन कर दूंगा फंक्शन टेस्टीज का। यहाँ सिर्फ समझेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट यानी स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है टेस्टीज। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम जो होता है बॉडी से आउटसाइड होता है, बॉडी से बाहर होता है। क्यों होता है? बिकॉज
इसको चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्कॉटम को स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए कितना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, यानी बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो वो बॉडी से बाहर होने के कारण ही उसको मिल पाता है, इसलिए बॉडी से बाहर होता है स्कॉटम, उसके अंदर टेस्टिस होता है, वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फीमेल के अंदर जो होता है ओवरीज होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होता है, जिसका काम क्या होता है? ओवा तैयार करना या फिर एग तैयार करना, ठीक है। उसके अंदर दो पार्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और एजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग जो होता है, यानी फर्टिलाइज एग जो होता है, वो कहाँ पर इम्बेडेड हो जाता है? वो यूट्रस में जाकर के इम्बेडेड होता है। तो यूट्रस क्या करता है? यूट्रस का जो वाल होता है वो तैयार करता है, थिक होता है, यानी वहां पे मांस जमता है, यानी टिश्यू आकर के लेयर बनाता है ताकि उसको रिसीव करें। किसको रिसीव करें? ओवा को, जो फर्टिलाइज एग होता है तो उसके लिए तैयार करता है। और ये होता है जो अपना नॉर्मल फंक्शन होता है फीमेल के अंदर, नॉर्मल रिप्रोडक्शन फंक्शन जो साइकिल वगैरह होता है, उन चीजों को कंट्रोल करता है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल सकते हैं, इट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द फीमेल। तो हमारे क्लास आज की क्लास में इतना ही कुछ था। अगर वीडियो आपको समझ में आया है ना तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।